हेलो एवरीवन, आज हम लोग को करना है जीएसटी प्रोजेक्ट। जैसा कि एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कुछ वाउचर्स दे रखे हैं। अब हम लोग को उसे क्या करना है, उसे टैली कंपनी में क्रिएट करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। एक तरह का ये क्वेश्चन पेपर है, आप कह सकते हो। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ सेट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड। सेट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है, उसका जीएसटी नंबर ये है, ठीक है। रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल शॉप एंड बिजनेस इन वेस्ट बंगाल। ध्यान रहे कंपनी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की। क्रिएट अ कंपनी यूजिंग टैली एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आईटीसी एडजस्टमेंट भी आपको करना है साथ ही साथ। और ध्यान रहे, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी, ठीक है। सेव अ बैकअप इन अ डेस्कटॉप फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया डेस्कटॉप फोल्डर पे करना है। कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रोविजन का ध्यान रखना है, जहाँ भी रिवर्स चार्ज लगेगा लगा दीजिएगा। आईटीसी चार्ट यूज करना होगा कर लीजिएगा। जनरेट जीएसटी आर 3B3 भी ध्यान रहे तभी जनरेट होगा जब हमारे ये सारे जीएसटी नंबर सही होंगे। अगर जीएसटी नंबर में कोई भी गड़बड़ी होगी तो आपका रिटर्न जनरेट नहीं होगा, ओके। सो इस बार हमें वाउचर की हेल्प से हमें एंट्रीज करने हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करने की, और ध्यान रहे सब लोग ध्यान से देख लीजिए, हमें डेस्कटॉप पे कह रहा है कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग विंडो डी से मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं। सपोज करिए मैंने एक फोल्डर बना लिया अपने नाम से, दीपक 101। मान लीजिए ये मेरा कोड है, स्टूडेंट कोड। मैंने ये फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर का एड्रेस हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे एल्ट के कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट करने जाएंगे, क्रिएट करते ही हम लोग सबसे पहले बैक स्पेस दबाएंगे और ऊपर जो कंपनी डेटा पाथ है इसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा डेस्कटॉप पे ही सीधे कंपनी क्रिएट हो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कंपनी किस नाम से बनानी है, दे रखा था सिट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, तो सिट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने अपनी कंपनी यहाँ पे बना ली, ओके। एड्रेस आपको एड्रेस नहीं पता है तो सिट्रॉन का आगे देखो इनवॉइस दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिट्रॉन का यहाँ देखो एड्रेस दे रखा है, तो यहाँ से हमने एड्रेस क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। एड्रेस बस कोलकाता तक लेते, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल बी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। पिन कोड दिया था 7 हो गया। और कुछ है, टेलीफोन नंबर दे रखा है, यहाँ फोन नंबर दिया हुआ है तो फोन नंबर यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। मोबाइल नंबर नहीं दिया, फैक्स नंबर नहीं दिया, ईमेल आईडी नहीं दिया है, कोई टेंशन नहीं है। वेबसाइट कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ध्यान रखिएगा। तो ये 22-23 चल रहा है, आप देख रहे हो अगस्त 2022 है, इसका मतलब 22-23 कंपनी है, तो 22-23 ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। तो कंपनी क्रिएट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दीजिए, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। हमको पता है जीएसटी प्रोविजंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो जीएसटी यहाँ से ऑन कर देंगे। जीएसटी ऑन करने के बाद ठीक है, वेस्ट बंगाल है, रेगुलर डीलर है। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। और जीएसटी आई एन नंबर देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है कंपनी का, वो हमें यूज़ करना है। तो देखो कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो वो इनवैलिड दिखा रहा है, इसका मतलब है जीएसटी नंबर सही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी नंबर अगर नहीं सही है तो इसको हमें पहले सही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जीएसटी रिटर्न नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो कैसे सर्च करना है मैं 2 मिनट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल सा साइट पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है gst.gov.in, और यहाँ पे जाना है सर्च टेक्स्ट पेयर में और सर्च बाय पैन कर लीजिएगा। अगर आपको देखना है कि कुछ गड़बड़ी है क्या, तो यहाँ से देखो इसका पैन नंबर, आपको पता है जीएसटी में पैन होता है, ये पैन नंबर हो गया 10 डिजिट। और गूगल पे जाके इसको आप पैन नंबर से सर्च कर लीजिएगा, कैप्चा कोड 819400। ओके आ गया। अब आपको ध्यान रखिए कंपनी का दिख तो रहा है, बस वेस्ट बंगाल का ढूंढना है। सेकेंड पेज पे देखिए वेस्ट बंगाल का दे रखा है, सारा नंबर सेम है, 2971 2971 C1 ZE है, बस यहाँ पे गड़बड़ी थी, 8 की जगह पे ई होगा, ओके। सो आपको गड़बड़ी पता चल गई, यहाँ पे एंड बटन दबाइए और यहाँ से मिटा करके यहाँ पे ई दबा दीजिए। अब देखिए एरर नहीं आ रहा है, नहीं आया ना,
जीएसटी नंबर देखिए सही होना चाहिए, तभी आप जीएसटी आर 3 भी जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब जीएसटी रेट ठीक है, यहाँ से नहीं डालना। अब आप देख लीजिए आपका एक ही प्रोडक्ट का बिजनेस है क्या, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो देखो 18% में आ रहा है हर जगह, देखो ये 9% है। एक बार क्वेश्चन में नज़र दौड़ा लो हर जगह कितना है, 18% जीएसटी नॉर्मली हमारा हो रहा है। तो 18% जीएसटी हम बार बार, लास्ट में देखो ये रिवर्स चार्ज का एक केस है, एडवोकेट से हमने सर्विस ले रखी है। तो देख रहे हो आप लोग कि हम लोग के पास जो सारे ट्रांजेक्शन है वो कब के हैं, सारे ट्रांजेक्शन वो है वो 18% से रिलेटेड है। तो हम लोग अपने मेहनत कम करने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जीएसटी रेट यहीं से ऑन कर देते हैं। HSN कोड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, लैपटॉप का है, लैपटॉप हो गया। कोड क्या है, कोड हमने ले लिया HSN कोड, क्या है टैक्सेबल है, ध्यान रहे यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है ना, F12 करके यहाँ से अच्छा नहीं आ तो रहे, ठीक है ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा वहाँ पे हम एप्लीकेबल करेंगे, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 18% IGST का रेट, ठीक है ना। ये करने के बाद इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक। टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, रिवर्स चार्ज जब होगा तो वैसे तो यहाँ से यस कर लीजिए, रिवर्स चार्ज बिल्कुल हम लोग को करना है, एडवोकेट की सर्विस है, अभी से हमने यस यहाँ पे यस कर दिया, बिकॉज एडवोकेट अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, हमें को GST देनी पड़ेगी। बाकी ये सब ऐसे ही रहने दीजिए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल A। इतना छोटा सा काम आपको करना है। आप देख रहोगे बाई डिफॉल्ट एक और कंपनी खुली हुई है, 5 स्टार कंपनी, हम लोग को चॉकलेट नहीं खाना है इसलिए इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा किस पे होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, सबसे पहला देखो एक इनवाइस दे रखा है, टैक्स इनवाइस किससे, TVRI क्या है ये, प्राइवेट लिमिटेड से हमने कुछ परचेजिंग किया है, हमने लैपटॉप खरीदे, तो चलिए परचेज की एंट्री करते हैं। सीधे हम लोग जाएंगे वाउचर में, F9 से सीधे परचेज करेंगे। जैसा कि टैली सबको पता है तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, सीधे प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ पे डेट, डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त है तो 1 अगस्त आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे भी होगा 1 अगस्त, ठीक है। पार्टी नेम क्या है, अल्ट सी करके बना लीजिए पार्टी नेम, सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा, कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें। इसका एड्रेस, अब देखिए एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, वेस्ट बंगाल है, कंट्री पिन कोड 74001, ठीक है ना। मोबाइल नंबर और कुछ नहीं दिया, फ़ोन नंबर दिया है, क्या दिया है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर यहाँ से उठा लेते हैं हम, तो मोबाइल प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे, यस कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है ना। होम पे आता हूँ, डिलीट कर दे, हो गया, इतना मेंटेन कर लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर बिल्कुल इनका दिया हुआ है, जीएसटी नंबर यहाँ से आप पिक कर लीजिए, एक्सेप्ट। ये तो हमने पार्टी कंप्लीट कर लिया, विद एड्रेस डिटेल हमने मेंटेन किया है। अब यहाँ पे परचेज का लेजर है, परचेज का अंडर क्या होता है सबको पता है, परचेज अकाउंट, और ध्यान रहे जीएसटी एप्लीकेबल है, और क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स का, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन आप बाय डिफॉल्ट देखो पकड़ लिया, परचेज टैक्सेबल है, नेम ऑफ आइटम LLC करके आइटम भी बना लीजिए। आइटम यहाँ पे दिया हुआ है डेल, 11th जनरेशन का लैपटॉप है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ भी अपना मन है आपको बना लेने का बना लीजिएगा, ग्रुप इस स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी नहीं बनाना हमें। और यहाँ क्या रखना है, पीसेस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा UQC मत भूलिएगा, वरना रिटर्न में अगेन दिक्कत आएगी। पीसेस डाल दीजिएगा यहाँ पे भी, पीसेस ही है ना, हाँ ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जीएसटी का इंडिविजुअल रेट अब डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी F11 से कर दिया, अगर आपने F11 से नहीं किया होगा तब यहाँ पे सेट अल्टर को यस करिएगा, कंट्रोल ए।
अब देखिए कितनी क्वांटिटी हम लोग परचेज कर रहे हैं, 60 पीस, 60 पीस हम लोग परचेज कर रहे हैं, रेट है 66,800। क्लियर है, टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। अब नीचे क्या होगा, परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, सबको पता है जीएसटी में आएगा, और सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए आ गया वैल्यू। फिर इसके बाद बनाएंगे किसका, इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी में आएगा, आपको पता है किसमें आएगा, स्टेट टैक्स। क्लियर, तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, वैल्यू सेम है ना, 47,29,440, एकदम सेम वैल्यू आ रही है। यही सबसे अच्छी चीज होती है वाउचर में, कि वाउचर में हम एक एक फिगर मिला सकते हैं। अब याद है जीएसटी ईवे बिल, ठीक है फिलहाल हम नो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। न्यू रेफरेंस बिल नंबर आ गया, कोई क्रेडिट डेज है क्या, कोई क्रेडिट डेज नहीं है। कॉमन नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग क्या, सिट्रॉन हमारा खुद का इनवॉइस है, हम खुद इनवॉइस बना रहे किसके नाम पे, यूनाइटेड, और हमने 15 लैपटॉप बेच दिया 70,000 के रेट से, किसी को कोई दिक्कत, तो ये सिंपल सा सेल का वाउचर है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी सप्लायर, यानी हमारा खुद का इनवॉइस नंबर क्या है। तो हमारा ये सेकेंड नंबर, पहला इनवॉइस नहीं इशू है, सीधे सेकेंड इशू हो रहा है। चलिए ठीक, तो इनवॉइस नंबर ये हमारा है, अच्छा सॉरी परचेज नहीं है, पहले तो सेल करना है ना, F8। किसको सेल कर रहे हैं, पहले पार्टी नेम डालना पड़ेगा, पार्टी नेम है यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री ये डेटर होगा हमारा, कस्टमर है, एड्रेस मेंटेन कर लीजिए आप इसका, एड्रेस अगर दिया है तो बिल्कुल एड्रेस दिया हुआ है, 27 NS रोड, वेस्ट बंगाल, पिन कोड देख लीजिए क्या है, 7-4-0-1। मोबाइल नंबर, फोन नंबर दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया है, पार्टीज जीएसटी नंबर सीधे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इसका, हो गया कंट्रोल ए एक्सेप्ट। वेस्ट बंगाल इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेल्स, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, सॉरी यहाँ पे क्या चीज हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स का, कंट्रोल है, हो गया सेल्स टैक्सेबल, देखो अपने आप ले लिया है, अपने स्टेट का है तो सेल्स टैक्सेबल, दूसरे स्टेट का होता तो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल ले लेता। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नेम ऑफ आइटम अगेन वही है, कितना पीस बेच रहे, 15 पीस, रेट क्या है, 70,000। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें, आउटपुट, लेजर नहीं बनाया, आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा, किसी कोई डाउट नहीं ना, जीएसटी हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, कंट्रोल है, टैक्स अपने आप आ गया, आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और क्या हो जाएगा, स्टेट टैक्स, कहीं कोई दिक्कत। अब फिगर अगेन मैच करा लीजिए, 12,39,000, कोई और क्रेडिट डेज डेज तो है नहीं, ईवे बिल फिलहाल कोई मतलब नहीं हमें। न्यू रेफरेंस यहाँ बिल नंबर डाल दीजिएगा, तो बिल नंबर ये है हमारा, ठीक है बिल नंबर प्रॉपर, कॉमन रेशन बीइंग गुड्स, सो ठीक है ना, दोनों ही 1 अगस्त को ट्रांजेक्शन था, हमने सही किया। अब आगे बढ़ते हम लोग, अगेन सिट्रॉन का है, 1 अगस्त का ही इनवॉइस है, और ध्यान रहे इस बार हम लोगों ने कहाँ पे गुड्स बेचा, दिल्ली में। तो चलिए ये पार्टी को हम लोग सेल कर रहे हैं, अल्ट सी करके बना लीजिए पार्टी, सेंड्री डेटर हो गया हमारा, अब इसका एड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा हम लोग को, ओके। वेस्ट बंगाल नहीं है इस बार, क्या है, न्यू दिल्ली, दिल्ली हो गया, 11
0001 मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ दिया? कुछ नहीं, सीधे आते इनका जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं। हो गया, अगेन देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? अगेन यहाँ पे आपको इसका जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जीएसटी कह रहा हूँ पैन नंबर। अगर कभी भी एरर आता है तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आउट ऑफ द टॉपिक जाके वर्क करना पड़ेगा। अगेन सर्च टेक्स्ट पेयर, सर्च विद पैन नंबर, इस पैन का हम लोग सर्च कर रहे हैं 8851 67। ओके 07 है। अब देखिए क्या गलती हुई है, 07AUFS9672G1ZC सही तो है। अच्छा हाँ, इनएक्टिव शो कर रहा है, बट इनएक्टिव का कोई इशू नहीं आना चाहिए। इंटर आपको इशू नहीं, वो कॉपी पेस्ट में लग रहा है मेरे से कुछ गलती हुई थी, तो कॉपी पेस्ट में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, कोई टेंशन नहीं, एक्सेप्ट। दिल्ली है, दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेल्स लेजर, देखो अपने आप इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल पकड़ लिया। रिवर्स चार्ज से कोई मतलब नहीं है, कितना आइटम वही डेल बेचे, कितना पीस, वाउचर देख लीजिए, 20 पीस 70,000। अब क्या लगेगा यहाँ पे आउटपुट, तो बनाना पड़ेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल। आ गया 2,50,000, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ पे देखो बिल नंबर मांग रहा है, बिल नंबर ध्यान देना, ये भी 02 है। वाह सर, ये 1 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए, सेम नंबर से दो बिल नहीं लेगा, ठीक है ना? तो ये आप समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन पेपर भाई साहब ने रेडी किया है वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग क्या करें, फिलहाल तो 2 नंबर से मैं सेव करता हूँ। और अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले डिस्प्ले डेबुक में जाएंगे, ये सेल्स जो पहला वाला था यूनाइटेड वाला, सीधे यहाँ पहुँच जाइए क्लिक करके, वरना टाइम लगेगा, टाइम बचा लीजिए। और यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, 1 कंट्रोल ए कंट्रोल ए, समझ गए? अब इसको क्या करिएगा, अब यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इसलिए सीधे यहाँ क्लिक, टाइम बचाता है इससे, टाइम बचता है, ध्यान रहे। और यहाँ पे कंट्रोल वी, सॉरी कॉपी लग रहा नहीं हुआ था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आगे आप सही जा रहे हैं। नरेशन रिपीट कर लीजिएगा, टाइम बचेगा आपका। 1 अगस्त को ये भी देखो सेल की एंट्री हमने कर दी। अब जब देखो हुआ क्या, TVRI प्राइवेट लिमिटेड को हमने क्या किया, हमने 4 पीस लैपटॉप डेल लैपटॉप बेचे, वापस किए हैं, है ना? दैट इज हमारा डेबिट नोट है, ये सिट्रॉन हमारा है ना, हम लोग किसको वापस कर रहे हैं, हाँ TVRI को, और 2,67,200 आ रहा है, ठीक है चलिए वापस करते। किस डेट में वापस कर रहे इस चीज का ध्यान रखिए, 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को हमें करना है, इसके लिए ध्यान रहे डेबिट नोट की एंट्री करनी होगी। और अगर आपको डेबिट नोट की एंट्री नहीं आया तो देख लीजिए यहाँ पे डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होता है, L+F5, ठीक है ना? डेबिट नोट करना है, F2 करके डेट सही करिए, 31 अगस्त को एंट्री करनी है। TVRI को हम वापस कर रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर मांगता है, तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर आपको पता है, बस ये बस क्या था, 1 था, सही है? और किस डेट में बना था वो इनवाइस, 1 अगस्त को, सही है? यहाँ पे ये डिटेल डालना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जीएसटी रिटर्न में फिर इश्यू आएगा। हो गया, सही है? अब याद देखो परचेज रिटर्न का, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से परचेज रिटर्न लेस करके दिखाए, तो आप परचेज रिटर्न का लेजर बनाइएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, एग्जाम है, टाइम बचाना है, क्या करना है, हाँ परचेज में ही चढ़ा दीजिए। हाँ बोलिए, ओके एक क्वेरी है, जब देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो नीचे तो दो ऑप्शन पूछता है, ठीक है ना। एक इनिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आप इसकी आईडी से नहीं लेना है आपको, इनएलिजिबल हो, या फिर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज लगाना नहीं है, इनएलिजिबल मतलब हम इसकी आईडी से नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है क्या? तो कुछ नहीं है, इसलिए नो रखते। डेल हो गया, आइटम सेम है, कितना वापस कर रहे हैं? 4 पीस। रेट अपने आप आ जाएगा, एकदम सेम अमाउंट आ रहा है, कहीं को दिक्कत? सेम अमाउंट है ना, लेकिन आपको ध्यान रहे, दिमाग आपको ये भी लगाना है कि नीचे आपको इसको क्या करना है, इसकी जीएसटी भी यहाँ पे भले नहीं मेंशन किया, बट अपना दिमाग लगाना आपको यहाँ पे। इनपुट याद है, इनपुट सीजीएसटी रिड्यूस होगा, इतना भी इनपुट एसजीएसटी भी, समझ रहे? यानी हम तो इतनी वैल्यू वापस कर रहे हैं गुड्स की, ये जीएसटी भी तो माइनस होगा ना। अब इतने की आईडी से हम नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि हम माल वापस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जीएसटी डिटेल मांगता है, इसको यस कर लेना। अच्छा सॉरी, ई वे बिल है, नो ही करो। अब देखते हैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, इसी बिल के अगेंस्ट वापसी हो रही है ना। बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखो डेबिट नोट, दैट मीन्स रिटर्न की एंट्री हमने कर ली। अब जब देखते हैं हम लोग, अगेन एक और डेबिट नोट है, इस बार ध्यान रहे इसने हमें वापस किया है, यानी वेबएक्स को, जिसको हमने सेल किया था ना, उसने 2 पीस लैपटॉप हमें वापस किया। वेबएक्स कहाँ के थे पता है? न्यू दिल्ली। तो वापसी हो रही है, वो डेबिट नोट भेज रहे हैं, तो उनका डेबिट नोट मतलब मेरा क्रेडिट नोट, तो एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। एल्ट कंट्रोल एफ, एल्ट F6 था ना, LF6 रेट नोट। अब याद देखो पार्टी, पहले तो डेट देख लो किस डेट में वापसी हो रही है, 1/9 को वापसी हो रही है। कब हो रही है? 1/9 को, ठीक। तो 1/9 को हम लोग क्या कर रहे हैं? वापसी कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए कौन है, वेबएक्स। अब उनका देखिए इनवॉइस की बात बतानी पड़ेगी, कौन सा इनवॉइस हमने सेल किया था। एक चीज गलत हो रही है, जो आप लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, डेबिट नोट ये गलत इनवॉइस नंबर है, किसी ने बोला नहीं था एग्जैक्टली उनका इनवॉइस नंबर अलग था ना, ये था इनवॉइस नंबर, वो तो सेल वाला इनवॉइस नंबर हमने चढ़ा दिया था, ठीक है ना। एंट्री सही था बट इनवॉइस नंबर क्या हो गया था, गलत हो गया। हो गया, अब करते वापस क्रेडिट नोट वाली एंट्री, अल्ट के साथ F6 क्रेडिट नोट। वेबएक्स को हम वापस कर रहे 1 सितंबर को। अब देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या था, वेबएक्स वाला इनवॉइस। आप लोग ना ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेना, सबसे अच्छा स्क्रॉल करके आप लोग वेबएक्स देख लीजिए। वेबएक्स को हम लोगों ने बेचा है अभी, इसका जी इसका क्या था, ये था यूआईएन नंबर, सेकंड वाला था ना इसका। डेट क्या था, किस डेट को सेल का? 1 अगस्त को था। वाउचर देख के तो बता सकते हो ना, सेल्स रिटर्न एसी में लेस हो जाएगा। आइटम देखिए क्या है, वही है, कितना पीस? 2 पीस। 70,000 के रेट से बेचे थे ना, तो 70,000 ना प्राइस माइनस होगी, और क्या सिर्फ प्राइस माइनस होगी, इसका जीएसटी भी तो माइनस होगा। तो आउटपुट हम लोग क्या काटे थे? आईजीएसटी, तो आईजीएसटी रिड्यूस होगा 25,200 से। जीएसटी बिल भरना है नहीं भरना है? अगेंस्ट रेफरेंस इसी बिल से देखो माइनस हो जाएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न, तो 1/9 को हमने ये भी एंट्री कर ली। आप कह रहे हैं क्या, आप कह रहे रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, 4 पीस क्या हुआ, गुड डिस्ट्रॉयड हो गया, समझ लो जो वापस आया था वही डिस्ट्रॉयड हुआ। एज यू, अरे मतलब ऐसा ही कुछ नहीं, मान लो जो वापस आया वो जल गया, तब ना इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक समरी अपना चेक कर लो, स्टॉक समरी कितना दिखा रहा है,
23 पीसेस है, कितना पीस है हमारे पास, इंटर करो तो ध्यान दो 56 पीस। हम लोगों ने कितना पीस खरीदा था, 60 पीस खरीदा था भाई। अच्छा ठीक है, 56 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसको हमने 4 पीस वापस कर दिया था। और यहाँ पे देखो बेचे कितना थे, 15 पीस, 20 पीस, दोनों मिला के कितना पीस बेचे थे, इसमें से भी माइनस हो गया कितना, 2 पीस, सही है। तो एक तरह से 56 आया एक तरह से बोल सकते हैं, और कितना गया, 33 पीस बिक गया, बचा कितना, सही दिखा रहा है। अब इसमें से 4 पीस स्टॉक जल गया, तो अब कितना रहना चाहिए, 19 हो जाना चाहिए ना। तो चलिए अब लॉस बाई स्टॉक का हम लोगों को एंट्री करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर लॉस बाई फायर हो रहा है तो मेरा कौन सा प्राइस जाएगा, कॉस्ट प्राइस की सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस ना, इस चीज को भी ध्यान देना। ये सब बेसिक अकाउंटिंग जो पढ़ाया था ये सब समझाया था आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड की एंट्री कहाँ करेंगे, वाउचर में जाएंगे, जर्नल में करेंगे, F7 में। डेट देख लीजिए कब है, 30/11, हालांकि 30, अच्छा 30/11 तो लेगा नहीं भाई, चलिए ठीक है। एक बारह, ठीक है, एक बारह को हम लोग एंट्री कर देते हैं एक दिन आगे बढ़ के, ठीक है ना। अब जा देखें यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे लॉस बाई फायर है या फिर एबनॉर्मल लॉस, दोनों में से जो मन करे से उस नाम से आप लेजर बना सकते हो। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना, इससे से कोई मतलब नहीं है। अब क्या था, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, हमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अब जो देखो कितने का नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, सपोज करो मैं कुछ भी ऐसे ही डमी अभी डाल देता हूँ कुछ भी। अब क्रेट में एग्जैक्टली गुड्स परचेज गया है, कितने का नुकसान हुआ है, परचेज। अब यहाँ पे जा देखो परचेज कितने का, ये डेल गया ना, कितना पीस, 4 पीस, देखो रेट अपने आप आ जाएगा। मैंने वहां जानबूझ के 5 लाख अपने मन से लिख दिया, ताकि कैलकुलेशन पहले तो हो जाएगा, बाद में हम ऊपर अमाउंट लिख देंगे, या तो बैठ के मैनुअली कैलकुलेट करो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू निकल गई ना, इसी पे क्या है, इनपुट मेरा खत्म है, उसकी आईडी से भी क्लेम नहीं कर सकते हम, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्ट सी करो यार कैलकुलेटर, 267,800 पे, नहीं नहीं सॉरी 200 पे मल्टीप्लाई बाई 9%, कितना परसेंट, 9% ना, सीजीएसटी बस निकाल रहे हो अभी, फिर क्रेडिट में हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी कितना होगा, 24, वो सब बाद में देखा जाएगा। अच्छा नहीं सही है, अभी देख लिया जाए, 24,048, समझ गए कितना आ रहा है, 315,296 का आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान एग्जैक्टली कितना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ये होनी चाहिए, समझ गए, या तो बैठ के मैनुअल कैलकुलेट कर लेते, या तो तुम ऐसे कर लो, तुम्हारे ऊपर है, कुछ नया तरीका सीखे, अब कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्लियर है, तो ये एंट्री फाइनली आपने कर ली, गुड्स लॉस्ट हो गया। आप देखो क्या स्टॉक का क्या स्टेटस आ रहा है, तो फाइनली 4 पीस गया ना, 4 पीस गया, तुम्हारा स्टॉक रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा स्टॉक क्या हो गया, रिड्यूस भी हो गया। पहले क्या होता था, अलग से हम लोग स्टॉक जर्नल की एंट्री करते थे, बट इसमें कोई टेंशन नहीं, आपका सीधे स्टॉक आपने माइनस कर दिया, आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते उसकी, 17 की सबसेक्शन 5। लास्ट में देखिए लॉ पॉइंट है, ये रिवर्स चार्ज का केस है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये कब हो रहा है, 1/12, वाउचर पे जाते हैं F2, वो सॉरी 1/12 तो ऑलरेडी हो रखा है,
हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे F9, और यहाँ पे कंट्रोल एस दबा दीजिएगा, अकाउंट इनवाइस बिकॉज सर्विस परचेज कर रहे हैं। इनवाइस नंबर देखिए दिया हुआ है, जी हाँ इनवाइस नंबर दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट है ना। कई लोग बोलते हैं सर परचेज में क्यों करते हैं, जनरल में भी तो कर सकते थे। तो बिल्कुल आप ये सर्विस परचेज की एंट्री जनरल में भी कर सकते थे, बस इनवाइस नंबर उम्बर भरने के लिए थोड़ा ये अच्छा लगता है, तो इनवाइस फॉर्मेट में आता है, वो डेबिट क्रेडिट मोड में आता है, इसीलिए हम लोग परचेज भी करते हैं। डेट सही है, 30-10 ले, 30-12-11 लेगा नहीं, इसीलिए हम लोग लग कर रहे हैं। पार्टी नेम क्या है, लॉ पॉइंट, यही फर्म के नाम से बिल बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस दिया हुआ है सर, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, पिन कोड दिया है 7000019, कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं, यहाँ पे डालेंगे क्या, अनरजिस्टर्ड डीलर, ये डालना है ना, अनरजिस्टर्ड डीलर से देखो हम परचेज कर रहे हैं। लॉ पॉइंट ठीक है, कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के, पर्टिकुलर क्या है, ये अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा, क्या है लीगल चार्जेस लिखें, चलो ठीक है लीगल सर्विस भी लिख सकते थे। अगला क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, अब यहाँ देखो एप्लीकेबल है, जी हाँ एप्लीकेबल है जीएसटी, जी हाँ यहाँ पे एप्लीकेबल है, यस कर दीजिए अजय। अब यहाँ पे इसका सर्विस का लीगल चार्ज का एसएससी कोड दिया है, कुछ नहीं दिया है, लीगल सर्विस। अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कुछ पकड़ाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज पकड़ा सकते हो, आपको पता है कि तो लॉ चार्जेस हमेशा अनरजिस्टर्ड में रिवर्स चार्ज में आएगी, सो आप यहाँ पे पकड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड है ना डीलर टैक्सेबल, क्लियर है, आपको पता है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जी हाँ एप्लीकेबल है, जीएसटी का रेट कितना है 18%। कंट्रोल ए, अब जरा लीगल चार्जेस देखिए है कितना, वैल्यू है 52,640 640 था ना, सही है। अब देखिए परचेज ऑलरेडी, वैसे नहीं भी पकड़ाते ना तब भी देखो अपने आप पकड़ लेता, तब भी यहाँ पे ले लेता वो, रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल है ही, टैक्सेबल अमाउंट सेम वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, कुछ और नहीं, अगर आप चाह करके भी यहाँ पे, पहला तो जीएसटी यहाँ पे पकड़ाने की कोशिश मत करना, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ लीगल फीस का पैसा देंगे। कंट्रोल ओ करके जरूर चेक कर लो टैक्स एनालिसिस, क्या रिवर्स चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अमाउंट सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज आना चाहिए। मैंने कंट्रोल ओ कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल ए, यहाँ पे नरेशन लिख देना चाहिए था हमें, हो गया परचेज, नरेशन मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, रिपोर्ट दिखाएं, रिपोर्ट दिखाएं, रिपोर्ट देख लेना भाई जीएसटी आर टू में, यहाँ देखो दिखा रहा है क्या, नीचे की तरफ जाओगे अनरजिस्टर्ड ये परचेज है, रिवर्स चार्ज आएगा, यहाँ देखो लाइबिलिटी कह रहा है, बैलेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा ना, तो ये टैक्स अमाउंट यहाँ से पकड़ लोगे तो देखना तो पड़ेगा ही, तभी तो टैक्स अमाउंट पता चलेगा। तो हम लोग टैक्स अमाउंट क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 52,640 रुपीज असेसबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, और जिसपे जीएसटी बनता है कितना, 4737.60, पैसे को भूल छोड़िएगा मत, उसको भी रखिएगा। अब इतने से अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, जनरल में एंट्री करोगे, F7 में जाओगे, एल्ट के साथ जे दबाओगे, जीएसटी इंक्रीज अपनी टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, सही है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, अच्छा रिवर्स चार्ज था सॉरी, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी
ये तो एडवांस, अच्छा सॉरी नीचे है, नीचे सॉरी उसके नीचे था। हाँ परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, सॉरी। अब जो देखते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है ना, यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा क्या, जीएसटी ऑन ये क्या हो जाएगा करंट एसेट, कितने अमाउंट से दोनों का अमाउंट जोड़िए। दोनों के अमाउंट को बेसिकली जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आउट अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाना है, तो आउटपुट सीजीएसटी बढ़ाएंगे 9% से। वैल्यू कितनी थी, 52,640। जीएसटी का वैल्यू कितना था, 4,000। अब सही है, अगेन आउटपुट एसजीएसटी, तो लाइबिलिटी हमने बुक कर ली है, लाइबिलिटी बुक्ड लिख सकते हैं। अब लाइबिलिटी जैसे ही चढ़ाएंगे, आपको पता है बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी, खैर हमें देखना है कब का, 1/12 से छोड़ो, ये अमाउंट दिख रहा है ना दिसंबर वाला, 4737, यही है ना ये लाइबिलिटी। बस हम लोग को अभी पेमेंट करना, फिलहाल पेमेंट करने के लिए जाएंगे कहाँ पे, F5, और क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F, स्टेट पेमेंट, कौन सा जीएसटी कौन सा दे रहे, रेसिपिएंट लाइबिलिटी, कब से कब तक का, 1 दिसंबर से। अब 1 दिसंबर ही मैंने रखा हुआ है, डेट मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। क्या देंगे हम लोग आउटपुट, कितना, 4737.60। ओके फिर डेबिट करेंगे, आउटपुट SGST सेम अमाउंट 4737 रुपीज 60 पैसे टू बैंक अकाउंट। बैंक नहीं बनाया तो मैं बना लेता हूँ, आप लोग कोई भी बैंक बना सकते हो, कंट्रोल है। चेक नंबर किसके नाम पे, जीएसटी का पेमेंट होगा, जीएसटी के नाम पे, सही है। जीएसटी डेल डालना है, मोड ऑफ पेमेंट चेक से पेमेंट किए, नेम ऑफ द बैंक एक्सिस बैंक, सीपीआई नंबर तो जरूर डालना, कुछ भी उल्टा पुल्टा ये दोनों मत डालना, बीआरएन कोड और सिन नंबर। पेमेंट डेट 1 दिसंबर को ही हमने पेमेंट कर दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर 252501, इंस्ट्रूमेंट डेट 1/12। बीइंग पेमेंट मेड, क्लियर। कहानी अभी खत्म नहीं है, अभी एक और काम करना है। हमने दिसंबर तक जब हमने जो अगस्त का सारा ट्रांजैक्शन किया था उसका हमने एडजस्टमेंट नहीं किया, तो वो एडजस्टमेंट क्योंकि बोला था इंक्लूसिव एडजस्टमेंट भी करना है, तो एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। बस एक एडजस्टमेंट करते हैं अगस्त वाला, नवंबर में रिटर्न उटर्न है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगस्त का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। हालांकि उस समय भी कर सकते थे अगस्त के बाद तुरंत, तो कैसे करना है जब देख लो आप लोग। बैलेंस शीट में सीधे जाना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाना, सही है। सॉल्ट तो सर माइनस आ रहा है, जीएसटी तो देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं, फिर भी आप क्योंकि परचेज ज्यादा हुआ था सेल कम हुआ था तो सोचो कि एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। जो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देना है लेकिन एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा भाई, ये जो माइनस वाला चीज दिखा रहा है, ये जो इनपुट दिखा रहा है, इनपुट को खत्म करना पड़ेगा। किसको खत्म करना पड़ेगा, इनपुट बस खत्म होना चाहिए बस, या सॉरी आउटपुट या तो खत्म हो जाए, इनपुट या तो खत्म, कोई एक ही चीज रहेगा। माइनस में आ रहा है ना, कितना माइनस में आ रहा था, सिर्फ इतना वैल्यू रहना चाहिए और एंटर करने पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट की वैल्यू दिखनी चाहिए, आउटपुट की वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए। तो कैसे होगा सर, क्योंकि मेरे को आपको बताना है, मैं कॉपी पे नहीं यहाँ एक्सेल पे करके दिखा दे रहा हूँ। मुझे करना होता तो मैं जल्दी कर लेता, बट चूंकि आपको समझाना है, इधर देख लीजिए सब लोग, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबको पता ऊपर क्या होता है आउटपुट, यहाँ क्या होगा IGST, यहाँ क्या होगा
सही है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, सारे के सारे इनपुट लिखने वाले हम, सबको पता है इनपुट लिखा होता है, यहाँ सबसे पहले, फिर अब जरा वैल्यू मैं डालते चला जाता हूँ सबके सामने। सबसे पहले आउटपुट की वैल्यू डालते, आउटपुट की वैल्यू देख लो, आउटपुट आईजीएसटी में कितना है, 226,800। एल्ट ऑफ 2 करके एकदम पहले सही कर लेना, 1 अगस्त से 1-9 तक मैं देखूंगा, 1 सितंबर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं ना था। इकतीस आठ को था, 1-9 को था, चलो ठीक है, 1-9 वाला भी शामिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। वैसे स्टॉक डिस्ट्रॉयड वाला शामिल नहीं हुआ, नवंबर को हुआ था, उसको जाने दो, उसको आईजीएसटी सिर्फ हम लोग किसका कर रहे हैं, अगस्त महीने का, किस महीने का, और नीचे नरेशन में लिख देना एडजस्टमेंट ऑफ अगस्त मंथ। तो यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करिए, बैलेंस शीट में एलडीएफ 2 1-8 से 1-9, बस हमें इतनी की डिटेल चाहिए। अब वैल्यू सही आ रही है, अब हमें क्या करना है, 226,800, 226,800, 94,500 सीजीएसटी एसजीएसटी, 94,500। किसी को कोई दिक्कत? अब आईजीएसटी जरा देख लीजिए इनपुट का, सॉरी इनपुट सीजीएसटी 336,672, सही है, सही है। आपको पता है इस 336,672 में पूरा का पूरा 226,000 तो इसी में चला जाएगा, 226,800 रुपीज इसको एडजस्ट करने में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो एडजस्ट होगा इससे, सही है। लेकिन क्या पूरा एडजस्ट हो पाएगा, सिर्फ कितना एडजस्ट हो पाएगा, इतना ही एडजस्ट कर पाएंगे, सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बावजूद आपके पास सीजीएसटी रह जाएगा, चलो वो देखा जाएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, 336,000 मेरे पास ज्यादा पैसा, पहले तो ना इसमें से मैंने 226,800 निकाल दिया, किसको रिड्यूस करने के लिए, आउटपुट आईजीएसटी को, उसके बावजूद मेरे पास पैसा बचा था, देखिए मेरे पास पैसा कितना बचा है, उसके बावजूद इनपुट में मेरे पास 109,000 है, और मेरे को देना कितना है सीजीएसटी, 94,500 रुपये, 94,500, तो मेरे पास आराम से सफिशियंट अमाउंट है, एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर इस अमाउंट में से ये भी माइनस हो गया तो अभी मेरे पास एक्सेस क्रेडिट पड़ेगी, बचेगी, हाँ, 15,372 रुपीज। किसी को कोई दिक्कत? तो सर जी मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको, टैक्स लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है ना, सबको पता है कुछ नहीं होने वाला, ये क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो गया, जीरो, और आपको पता है इसका भी क्या हाल होना है, पूरा 94,500 ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, एक्सेस क्रेडिट पड़ेगी। सीजीएसटी में मेरे पास कम आईटीसी पड़ेगी, बचेगी, एसजीएसटी में ज्यादा आईटीसी बचेगी, समझ रहे हैं? मैं आईटीसी की वैल्यू भी आपको बता दे रहा हूं, जो भी आप मिला लेना, इतना मेरे पास बचेगा किसमें, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में कितना बचेगा, ये मेरे पास क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट, क्या है ये, चलिए एडजस्टमेंट की एंट्री करते, सॉल्व तो एंट्री कैसे होगा, आपको पता है आउटपुट सारे खत्म होने, आउटपुट क्रेडिट होता है, डेबिट मार दो, और इनपुट को क्या करना है, डेबिट होता है, क्रेडिट कर दो, चलिए करते हैं एंट्री, बैक डेट में जाना पड़ेगा, 1-2-9 को करते हैं हम लोग, 2-9 को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे एल्ट के साथ जे, जीएसटी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी अगेंस्ट आईटीसी, डेबिट में आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 226, ये सब मत कुछ भरो, 226 800,
फिर डेबिट आउटपुट, देखो जीरो होता जा रहा है ना, ध्यान से देखते जाना, आउटपुट सीजीएसटी कितने से रिड्यूस करना है, 94,500 रिड्यूस, आउटपुट एसजीएसटी 94,500 रिड्यूस, इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी में देखो कितना पैसा है, ये दोनों पैसा है, दोनों मिला के कितना हुआ 3,21,300, ये पूरा एडजस्ट हुआ है किससे, अरे गड़बड़ है क्या, थ्री ट्वेंटी वन थ्री हंड्रेड सही तो है। अब जब देखते हैं यहाँ पे, लेकिन बचना चाहिए 15,300, थ्री थर्टी सिक्स था ना, अच्छा ठीक है, वो लॉस भाई फायर का भी अमाउंट जोड़ के दिखा रहा है। अभी यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इनपुट बता रहा हूँ, टोटल बैलेंस उसमें दिखा रहा है यहाँ पे 336 में, 336 में, और मैं उस डेट पे कर रहा हूँ 9/2/9 को, तो स्टॉक वाला बैलेंस शीट में टोटल वैल्यू दिखा रहा है डेट करने के बावजूद, अभी दिखा देंगे हम आपको। अगला क्या है, एसजीएसटी का पैसा है ना, किसका है, 94,500 रुपये, इतना एग्जैक्ट लेस हुआ है। अब इसमें बच गया 218, यहाँ पे भी देखो अधिक वैल्यू दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, बीइंग क्या हो जाएगा, आउटपुट बीइंग इनपुट जीएसटी एडजस्टेड, क्लियर कंप्लीट, आउटपुट सारे के सारे रिड्यूस। अब आपको अगर बैलेंस शीट में जाओगे, अब एंटर करोगे, देखो यहाँ पे तुम चाहे डेट खुद भी चेंज कर दो, 29 पहले भी दिखा रहा था अभी भी, अब बस बचा क्या है, इनपुट एसजीएसटी यहाँ क्यों आ रहा है भाई, दोनों ही क्रेडिट होना चाहिए ना, अच्छा ठीक ठीक मैंने लग रहा है एक्चुअली ना होता है क्या है, सब तो सही किया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखो बैलेंस शीट में हम लोग जा रहे थे, ये 2/9 जब देख रहे हैं, गड़बड़ आपको दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग को पता है हम लोग ने एडजस्टमेंट कब तक का किया है, 2/9 तक, 2/9 तक का किया ना। अब देखो LDF2 1 अप्रैल से कब तक का, 2/9 तक का, सिर्फ चेक करना कब तक का बैलेंस शीट, अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, यही ना बचा था। अब अगर एक्सेल की शीट भी देखोगे 15,372 और 2,42,172, अब देखो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वही था सितंबर मंथ तक, इसके आगे का चूंकि वो एडजस्ट कर ले रहा था ना, इसीलिए वहाँ रिपोर्ट में गड़बड़ी आ रही थी। फिलहाल आपको समझ में आ गया, तो डेट का बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो या तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पूरे वाउचर्स की पहले एंट्री कर लो, लास्ट में एडजस्टमेंट कर लो, या तो जैसे ही नवंबर खत्म होता है, अक्टूबर खत्म होता है आपको, सॉरी अगस्त खत्म होता है, तो उसी टाइम पे आप क्या कर लो उसका एडजस्टमेंट कर लो, फिर आगे एंट्री करो, वो आपको करना है। अब सोचता रिटर्न अपलोड करना है, रिटर्न कब का अपलोड करोगे, ध्यान रहे जब तक एडजस्टमेंट की हो, यानी सितंबर तक का, उसी का आपको रिटर्न जनरेट करना है। तो रिटर्न कौन सा देना था याद है, 3B देना है, स्टार्टिंग में दिया था, और 3B उसी जगह पे अपलोड करना है, तो फोल्डर एड्रेस क्या करें यहाँ से कॉपी, अरे सॉरी ये फोल्डर एड्रेस था, इसी पे मैंने एक बैकअप, देखो मेरा बन गया है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे रिटर्न जनरेट करने, जिसके यहाँ 3B जनरेट करना है ना, कब से कब तक का, 1 अगस्त से ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था, और 1/9 एडजस्टमेंट का नहीं देना, 1/8 से 1/9 ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अल्ट के साथ एक्सपोर्ट करना है ना, LTE कौन सा है, रिटर्न कौन सा, जेसन फाइल कहाँ पे, कंट्रोल वी सेंड,
हो गया काम खत्म। अब ये दोनों, ये देखो फोल्डर में आ गया, दीपक 101 में दोनों आ गया ना, कंपनी का भी बैकअप। और अब आप इसको क्या करेंगे, इसी को आप जिप करके अपलोड करेंगे। आपको पता है फोल्डर अपलोड होती नहीं है, तो इसे क्या करते हैं आप लोग, इसे आप लोग ऐड टू आर्चिव कर लीजिए या कंप्रेस कर लीजिए। ओके, जिप फाइल बनाएंगे रारनी। ओके, हो गया। अब फाइनली इसी को क्या कर लेंगे आप लोग, अपलोड कर देंगे। दीपक 101 बन गया ना, इसी को अपलोड कर दें, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।